हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्न फ्लाई। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बट्टा, मतलब कुछ सामान को छूट देने को, उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। देखिए, जैसे डिस्काउंट अगर देखें तो एमपी क्या कहते हैं? आपका मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस जो होता है, क्या है? मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। वो क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमपी। ठीक है, दूसरा है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? बट्टा। मतलब कुछ सामान में आपका जो लेस देता है, लेस को क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज में आपका 20 क्या है? लेस है। तो क्या है आपका 20 क्या है? आपको बट्टा हो गया, मतलब डिस्काउंट दे दिया उसको। ठीक है, उसको डी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। शॉर्ट में डी लिखा जाता है डिस्काउंट को। अगला क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? जो आपका विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग सेल करने वाला, उसको शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। ठीक है, इसको डिनोट कहता है एसपी से। अगर इसका हम फॉर्मूला के बारे में देखिए तो देखिए, डिस्काउंट का निकालने के लिए अगर मान ले, अगर देखिए मार्केट प्राइस गिवन दिया रहेगा, ठीक है, मार्केट प्राइस दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस भी दिया रहेगा, तब हम लोग अगर डिस्काउंट अगर पूछे क्वेश्चन में, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगला जो आपका फॉर्मूला क्या है? आपका सेलिंग प्राइस। अगर इसी से आपका निकला ये फॉर्मूला, क्या निकला? इसी से आपका ये फॉर्मूला निकला। सेलिंग प्राइस अगर पूछ दे, कब गिवन दिया रहेगा मार्केट प्राइस, और डिस्काउंट भी अगर गिवन दे दिया जाए, तब अगर सेलिंग प्राइस पूछे, तब हम लोगों का क्या फॉर्मूला क्या लिख, डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड आपका, इसी से डिस्काउंट, मतलब इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपका ई भी बना, और इससे आपका ई भी, मतलब इससे ही बना आपका क्या है? ई बना। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड क्या है? मार्केट प्राइस। अगर क्या है मार्केट प्राइस फाइंड करने बोल दे, और क्या है सेलिंग प्राइस दिया रहे और डिस्काउंट दिया रहे, मतलब सेलिंग प्राइस भी गिवन रहेगा और डिस्काउंट भी गिवन रहेगा, तब हम लोग अगर मार्केट प्राइस पूछे, तब हम लोग फॉर्मूला क्या डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तब हम लोग क्या फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? मार्केट प्राइस इक्वल टू एसपी प्लस डी। डी का मतलब क्या है? डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला बना। आशा करता हूं आप लोगों को तीनों फॉर्मूला समझ में आ गए हैं। अगला जो फॉर्मूला क्या बना, देखिए अगला फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्काउंट परसेंटेज। अगर फाइंड करने बोल दे डिस्काउंट परसेंट, इसमें क्या डिस्काउंट सिर्फ निकालने बोले, अगर पूछ दे कि डिस्काउंट परसेंटेज निकाले, तब हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, क्या होगा आपका? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ये क्या है आपका? डिस्काउंट परसेंटेज के लिए निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्या है आपका? डिस्काउंट पूछे, लेकिन गिवन क्या दिया रहेगा? गिवन दिया रहेगा आपका मार्केट प्राइस दिया रहेगा और डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा। मतलब जब परसेंटेज गिवन दिया रहा है और मार्केट प्राइस गिवन दिया रहा है, अगर हम लोग को डिस्काउंट पूछे, ठीक है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। मतलब मार्केट प्राइस और परसेंटेज को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे तब, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तब हम लोग को क्या निकल जाएगा आपका? डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, और अगला जो फॉर्मूला आपका सिक्स फॉर्मूला क्या है? सिक्स फॉर्मूला आपका सेलिंग प्राइस निकालने बोल दे। क्या सेलिंग प्राइस कब गिवन क्या दिया रहेगा? मार्केट प्राइस गिवन दिया रहेगा और डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, यही डिस्काउंट परसेंटेज अगर ई दिया रहा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पूछ दे, और क्या सेलिंग प्राइस पूछ, और क्या मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस पूछ दिया रहा है गिवन और सेलिंग प्राइस पूछे, तब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। क्या फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को टोटल सिक्स फॉर्मूला समझ में आ गया। पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट।
क्या आपका क्या होता है आपका एमपी माइनस एसपी, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगला जो फॉर्मूला क्या है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने बोल दें तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका मार्केट प्राइस पूछ दे, और क्या है गिवन दिया रहेगा सेलिंग प्राइस और क्या आपका डिस्काउंट पूछे दिया रहेगा। तब मार्केट प्राइस अगर पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, अगला जो फोर्थ फॉर्मूला क्या है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछ दे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला क्या है आपका अगर डिस्काउंट निकालने बोलते तो हम लोग का गिवन क्या दिया रहेगा डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा गिवन, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगला क्या है आपका सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस पूछते और गिवन क्या दिया रहेगा मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज क्या है आपका गिवन दिया रहा है, तो अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला क्या कर सकते हैं एमपी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मार्केट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं आपका अंकित मूल्य, डिस्काउंट को क्या कहते हैं आपका बट्टा, और सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, मार्केट अंकित मूल्य, बट्टा और क्या होगा आपका ये विक्रय मूल्य। ठीक है, टोटल कहते हैं आपका 6 फॉर्मूला है, इसको याद रखिए क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है। आशा करता हूं आप लोगों को डिस्काउंट का फॉर्मूला समझ में आ गया है और इसको याद भी रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।